नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं ममता धायल, अमन धायल कैमरे के पीछे। तो आज की वीडियो है बेसन के रिगार्डिंग। अब बेसन तो सबको पता ही है क्या होता है, जो चना है उसका आटा होता है, लेकिन हम बात करेंगे ग्रेड वन और ग्रेड टू बेसन की। अब ये क्या होता है ये आगे वीडियो में देख लेते हैं। अमन के फ्रेंड है एक, मतलब हम दोनों के ही फ्रेंड है, अनुज। उन्होंने हमें सबसे पहले बताया था, उससे पहले मुझे नहीं पता था। जो ग्रेड टू होता है, हम उनको एक ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने आते हैं, बहुत ही यम्मी, हा हा हा, याद आ गई, मुंह में पानी आ गया। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ग्रेड टू वाला बेसन चाहिए। मैं अमन एक दूसरे को देख रही कि ये क्या होता है ग्रेड टू वाला, लेकिन फिर जब देसी भाषा में हमें समझाया गया तो हमें पता चला जो बारीक वाला होता है वो ग्रेड वन होता है, और जो थोड़ा सा दरदरा हल्का सा मोटा होता है वो ग्रेड टू होता है। तो ये है बिल्कुल बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में कि जो बारीक वाला है वो ग्रेड वन हो गया, जो थोड़ा मोटा है वो ग्रेड टू हो गया। ऐसा ही सब में होता है, गेहूं का आटा हो गया या फिर चावल का आटा हो गया, जो भी आटा हो गया, तो ग्रेड वन और ग्रेड टू। बारीक वाला ग्रेड वन, थोड़ा हल्का दरदरा सा ग्रेड टू। तो ये हम आपको खोल के दिखाएंगे तो ग्रेड वन कौन सा है और ग्रेड टू कौन सा है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले खोल लेते हैं। तो पैकेट से हमारा जो बेसन है वो बाहर आ चुका है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जो ग्रेड वन है वो तो सब जगह अवेलेबल होता है, लेकिन ग्रेड टू हमने बहुत सर्च किया, जो चक्की वाला है हमारा जिससे हम गेहूं का आटा लेके आते हैं उसके पास भी नहीं था। उनको जब बोला गया तो उन्होंने कहा कि मतलब कम से कम आपको 5 kg पिसवाना पड़ेगा, तो मैं अलग से पीस के दूंगा आपको स्पेशल, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि घर पर हम 5 kg यूज़ नहीं कर सकते। जो 1 kg होता है बेसन वो भी काफ़ी टाइम चलता है। तो ये दोनों ही हमने बिग बास्केट से मंगाए हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, हम सर्च कर रहे थे मार्केट में, लेकिन हमें कहीं भी बिग बाज़ार वगैरह में भी नहीं मिला था उस टाइम पे। ये हो सकता है अब अवेलेबल हो गया हो। और ये दोनों का जो प्राइस में डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब लगभग सेम होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेड टू है तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा या सस्ता मिलेगा। ये दोनों मुझे आई थिंक 80-90 rupees पर केजी पड़े हैं। उस टाइम पे कोई डिस्काउंट चल रहा था बिग बास्केट पे, लेकिन नॉर्मली इनका प्राइस 150 पर केजी होता है। तो दोनों का प्राइस लगभग सेम है, 5-10 rupees का डिफरेंस होता है बस। तो जो ग्रेड वन और टू में डिफरेंस है वो बेसिकली बस बारीक का और थोड़ा दरदरे का, वही डिफरेंस है। जो ग्रेन साइज़ का, मतलब लास्ट में जो टेक्सचर आएगा उसका डिफरेंस है। तो पहले हम ग्रेड टू देखते हैं। ग्रेड वन तो आपके घर में होता है, आपने सबने देखा है। जब आप इसको ऐसे ऐसे फील करेंगे, आप ऐसे फिंगर्स के बीच में, तो आपको लगेगा बिल्कुल बारीक गोल गोल जैसे दाने से आ रहे हैं कुछ कुछ इसमें बीच में, जैसे सूजी होती है, मतलब लगभग सूजी थोड़ी सी मोटी होती है। ये उतना मोटा नहीं है, लेकिन इसके दाने आप वैसे ही फील कर सकते हैं। और ये हाथ पे इतना चिपकेगा भी नहीं क्योंकि ये थोड़ा मोटा है इसलिए। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बीच में लेंगे तो ये बिल्कुल एकदम जैसे अपना रोटी वाला गेहूं वाला आटा होता है, या फिर बेसन जो नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी चिपक भी जाएगा क्योंकि ये बहुत बारीक है इस वजह से। तो ये तो था इसके टेक्सचर में या फिर ग्रेन साइज़ में डिफरेंस। अब डिफरेंस है इसके यूजेस का, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो जो ग्रेड वन है, जो बारीक वाला है, जो नॉर्मली घर में हमारे पास होता है, उसको हम यूज़ करते हैं जो पानी वाली चीज़ होती है वो बनाने के लिए, जैसे कढ़ी होगी, चीला हो गया, पकोड़े हो गए, बूंदी में भी यूज़ करते हैं, और जो चाशनी डाल के बर्फ़ी बनाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। और जो ग्रेड टू है, जो थोड़ा दरदरा है, इसको बेसिकली जो हलवाई है वो मिठाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बूंदी में दोनों तरह के यूज़ हो सकते हैं, आप इस पतले वाले से भी बना सकते हो और बूंदी इस मोटे वाले से भी बना सकते हो। जो दोनों का टेस्ट का डिफरेंस होगा वो थोड़ा सा अलग आएगा जो ग्रेड टू से बनेगी उस बूंदी का। और लड्डू में यूज़ करते हैं, बर्फ़ी में भी यूज़ करते हैं। एक जो मोटे मोटे वाली बर्फ़ी होती है उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। जो मैसूर पाक होता है उसमें भी यही वाला बेसन यूज़ होता है, ग्रेड वन वाला। तो ग्रेड टू है वो बेसिकली मेन पर्पज़ है इसका लड्डू बनाना। तो अब हम इसके लड्डू भी बनाएंगे क्योंकि ग्रेड टू बेसन आ गया है। उस लड्डू के लिए ही हमें चाहिए था जो अनुज बनाता है वैसे वाले। अनुज वाला टेस्ट तो नहीं आएगा, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं उतने ही टेस्टी और डिलीशियस बना सकूँ। तो दूसरी वीडियो के लिए, जिसमें लड्डू बनेंगे, उसके लिए हम बाद में मिलते हैं। अभी सिर्फ इतना ही, ग्रेड वन और ग्रेड टू। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में लड्डू के साथ। थैंक यू, बाय बाय।